पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं है, पुष्पा मतलब ब्रांड। तो दोस्तों, अल्लू अर्जुन के पुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस को पूरी तरह से फाड़ के रख दिया और इस फिल्म ने अल्लू अर्जुन को इंडियन सिनेमा का नंबर 1 सुपरस्टार बना दिया है, क्योंकि यहां पर पुष्पा 2 ने पहले दिन हिंदी मार्केट की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म जवान को पीछे छोड़ दिया। वहीं इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी दुनिया भर में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की, लेकिन दूसरे दिन इस फिल्म के कलेक्शन फिर से धमाकेदार है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे यहां पर पुष्पा 2 के 2 दिनों के वर्ल्ड वाइड ऑल लैंग्वेज कलेक्शन के बारे में और जानेंगे फिल्म ने दुनिया भर से सभी भाषाओं में 2 दिनों में कितने करोड़ रुपए कमा लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 अगर आपने देखी तो ये फिल्म आपको कैसी लगी, सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर। तो दोस्तों, एक्शन पैक्ड फिल्म पुष्पा 2 जिसे डायरेक्ट किया है सुकुमार ने और इस फिल्म में अल्लू अर्जुन एक बार फिर से पुष्पा राज के अवतार में सभी का दिल जीतने में कामयाब रहे। वही इस फिल्म में फाहद फासिल खतरनाक विलन के अवतार में नजर आ रहे हैं, वही रश्मिका श्रीवल्ली के रोल में फिर से लोगों का दिल जीत चुकी है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे इंडियन सिनेमा का इतिहास रहा है कि जितना बढ़िया फर्स्ट पार्ट रहता है उतना अच्छा सेकंड पार्ट कभी नहीं बन पाता, लेकिन दोस्तों यहां पर पुष्पा 1 लोगों को जितनी ज्यादा पसंद आई थी ना, उससे कहीं ज्यादा लोगों को यहां पर पुष्पा 2 पसंद आई है, जिसके चलते ही इस फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन इंडियन सिनेमा के जितने भी रिकॉर्ड से वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जब पुष्पा 2 का अनाउंसमेंट हुआ था तब बहुत सारे लोगों को लगा था कि क्या ही ये फिल्म केजीएफ 2 और बाहुबली 2 की तरह कमाई कर पाएगी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म ने केजीएफ 2 हो या बाहुबली 2 हो, सभी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर धूल चटा दी। और दोस्तों, कमाल की बात तो ये है कि यहां पर पुष्पा 2 ने रिलीज होते ही अपने पहले दिन सिर्फ इंडिया या वर्ल्ड वाइड में नहीं बल्कि हर एक भाषा में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। सबसे पहली बात तो ये कि इस फिल्म के हिंदी कलेक्शन ने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म जवान का जो फर्स्ट डे ओपनिंग का ऑल टाइम रिकॉर्ड था ना, उसे भी तोड़ दिया। मतलब कि जब जवान ने पहले दिन 65 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी तो हम सबको क्या लगा था कि अब शाहरुख खान का रिकॉर्ड तो शाहरुख खान ही तोड़ेंगे, लेकिन यहां पर पुष्पा 2 ने शाहरुख खान की जवान का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म ने तेलुगु वर्जन में भी उस सिनेमा की जो सबसे बड़ी ओपनर फिल्म थी ट्रिपल आर, उसे भी पीछे छोड़ दिया। मतलब कि यहां पर पुष्पा 2 हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ा हो या बंगाली हो, हर एक भाषा में पूरी तरह से धमाकेदार कमाई करके इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। और दोस्तों, बढ़िया बात यह है कि फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन भी पूरी तरह से धमाकेदार है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बाकी सब हमारी इंडियन फिल्में ज्यादातर शुक्रवार रिलीज होती है, जिसके चलते उनका सेकंड डे शनिवार यानी कि हाफ हॉलीडे रहता है, तो उन फिल्मों के कलेक्शन काफी बढ़िया आते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर पुष्पा 2 को गुरुवार रिलीज किया गया था और इसका दूसरा दिन शुक्रवार है यानी कि वर्किंग डे, और वर्किंग डे होने के बावजूद भी इस फिल्म ने हिंदी मार्केट में काफी अच्छी होल्ड बनाकर रखी है, साथ ही साथ साउथ लैंग्वेजेस में भी फिल्म का सेकंड डे का होल्ड पूरी तरह से कमाल का है। अब दोस्तों, कल है सैटरडे यानी कि हाफ हॉलीडे और परसों है संडे, तो इतनी गारंटी है कि आने वाले 2 दिनों के अंदर ही पुष्पा 2 का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ना, वो अपने बजट से कहीं ज्यादा हो जाएगा। जी हां दोस्तों, सबसे पहले अगर बात कर ली जाए इस फिल्म के बजट के बारे में, तो यहां पर पुष्पा 2 का जो टोटल बजट है ना, वो है 500 करोड़ रुपए और इस फिल्म में अल्लू अर्जुन की फीस ही 300 करोड़ रुपए की थी। हालांकि दोस्तों, भले ही फिल्म का बजट 500 करोड़ रुपए है, लेकिन इस फिल्म के मेकर्स ने इसे रिलीज करने से पहले ही इस फिल्म के सभी भाषाओं के डिजिटल राइट्स 75 करोड़ में बेचे थे, वही सभी भाषाओं के सैटेलाइट राइट्स 85 करोड़ में और फिल्म के म्यूजिक राइट्स भी बिके थे 65 करोड़ में। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस फिल्म के जो वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल राइट्स थे वो भी काफी महंगे दामों में बिक चुके थे। जी हां दोस्तों, यहां पर पुष्पा 2 के जो तेलुगु स्टेट्स के राइट्स थे वो 220 करोड़ में बिके थे, वही नॉर्थ इंडिया के थिएट्रिकल राइट्स 200 करोड़ में, साथ ही साथ तमिलनाडु के थिएट्रिकल राइट्स 50 करोड़ और कर्नाटका के राइट्स 30 करोड़, वही केरला के 20 करोड़ और ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों के थिएट्रिकल राइट्स भी
120 करोड़ में बिके थे। यानी कि दोस्तों यहां पर पुष्पा 2 के मेकर्स ने इस फिल्म के सभी भाषाओं के थिएट्रिकल राइट्स, डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स बेचकर 1065 करोड़ की रिकवरी तो फिल्म को रिलीज होने से पहले ही कर ली थी। जी हां दोस्तों, बजट से ज्यादा कमाई तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर के पास फिल्म को कल रिलीज नहीं किया था ना, उसके पहले ही आ चुकी थी। मतलब यहां पर इस फिल्म के जो मेकर्स है ना, वो फिल्म को रिलीज करने से पहले ही दुगना मुनाफा कमा चुके थे। लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों जैसे कि यह फिल्म 6 भाषाओं में रिलीज हुई है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, तो सबसे पहले मैं आपको इस फिल्म के हिंदी कलेक्शन बता देता हूं, उसके बाद हम जानेंगे इस फिल्म के सभी भाषाओं के डे वाइज वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर पुष्पा 2 को इंडिया में हिंदी वर्जन में लगभग 4800 स्क्रीन पर रिलीज किया था, लेकिन इस फिल्म ने शाहरुख खान की फिल्म जो जवान है, जिसके नाम सबसे बड़ा ओपनिंग डे रिकॉर्ड था हिंदी मार्केट का, उसे भी तोड़ दिया। और पुष्पा 2 का जो फर्स्ट डे ऑल इंडिया हिंदी नेट कलेक्शन है वो 68 करोड़ 85 लाख रुपए का रहा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस वक्त बॉलीवुड के इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग लेने का रिकॉर्ड अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के नाम हो चुका है। जबकि पुष्पा 2 बॉलीवुड की नहीं साउथ की फिल्म है, उसके बावजूद भी इस फिल्म ने बॉलीवुड की सभी फिल्मों के ओपनिंग डे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जवान का जो फर्स्ट डे इंडिया नेट कलेक्शन है ना, वो 65 करोड़ 50 लाख रुपए का था, लेकिन पुष्पा 2 का फर्स्ट डे कलेक्शन 68 करोड़ 85 लाख रुपए सिर्फ हिंदी से रहा। बट अब अगर बात करें पुष्पा 2 के सेकंड डे के कलेक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दें कि पुष्पा 2 गुरुवार रिलीज हुई थी, जिसके चलते आज है शुक्रवार और आज वर्किंग डे होने की वजह से इस फिल्म के कलेक्शन में एक हल्का सा ड्रॉप हिंदी मार्केट में देखने को मिला है, जो कि किसी भी फिल्म में आना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन यहां पर पुष्पा 2 का जो होल्ड है ना, वो फिर भी काफी तगड़ा बना हुआ है। मॉर्निंग वाले शोज में इस फिल्म को हिंदी मार्केट में 70 से 75% की ऑक्यूपेंसी मिली है, वही अफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शोज की बुकिंग भी पूरी तरह से खतरनाक हो चुकी है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक पुष्पा 2 अपने दूसरे दिन भी हिंदी नेट कलेक्शन 45 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर रही है। इसी के साथ दोस्तों पुष्पा 2 का शुरुआती 2 दिनों के अंदर हिंदी नेट कलेक्शन 114 करोड़ 35 लाख का हो रहा है, तो हिंदी ग्रोस कलेक्शन 136 करोड़ 7 लाख रुपए। लेकिन दोस्तों आप अगर बात करें इस फिल्म के सभी भाषाओं के कलेक्शन की, तो यहां पर पुष्पा 2 को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और बंगाली टोटल सभी भाषाओं में दुनिया भर के अंदर 12,500 स्क्रीन पर रिलीज किया था। और दोस्तों इस फिल्म ने रिलीज होते ही अपने पहले दिन सभी भाषाओं से इंडिया नेट कलेक्शन 184 करोड़ 78 लाख रुपए का किया। और इस फिल्म ने इंडिया नेट कलेक्शन के मामले में बड़ी बड़ी पैन इंडिया फिल्में जैसे RRR, बाहुबली 2, KGF 2, इन सब को भी धूल चटा दी। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि ज्यादातर साउथ की फिल्मों के कलेक्शन पहले दिन जितने धमाकेदार रहते हैं ना, दूसरे दिन उतने ही ज्यादा ड्रॉप हो जाते हैं। लेकिन यहां पर पुष्पा 2 के सेकंड डे के कलेक्शन जिस तरह हिंदी मार्केट में तगड़े हैं, उसी तरह फिल्म को दूसरे दिन साउथ में भी जबरदस्त होल्ड देखने को मिला है। उसके पीछे के दोस्तों वजह यह है कि पुष्पा 2 वाकई में शानदार फिल्म है और इस फिल्म को पब्लिक की तरफ से फुल पॉजिटिव रिएक्शन मिले हैं। इसी कारण दोस्तों यहां पर फिल्म को सेकंड डे साउथ लैंग्वेजेस में भी मॉर्निंग वाले शोज में 68 से 65% की ऑक्यूपेंसी मिली है, वही आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शोज की बुकिंग भी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम सभी भाषाओं में सोलिड हो गई है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक पुष्पा 2 अपने सेकंड डे ऑल इंडिया नेट कलेक्शन सभी भाषाओं से 135 करोड़ 50 लाख रुपए का कर रही है। और इसी के साथ दोस्तों पुष्पा 2 का सभी भाषाओं का 2 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 320 करोड़ 28 लाख रुपए का हो रहा है सभी भाषाओं में। जी हां दोस्तों, बाकी इंडियन फिल्मों को 300 करोड़ रुपए इंडिया नेट कलेक्शन करने में हफ्ते, 2 हफ्ते लग जाते हैं, लेकिन यहां पर पुष्पा 2 ने 2 दिनों के अंदर ही इंडिया नेट कलेक्शन 320 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर लिया। हालांकि बता दें 2 दिनों का जो इंडिया ग्रोस कलेक्शन है वो 381 करोड़ 13 लाख रुपए का हो रहा है। अब नजर डाली जाए विदेशी कमाई की, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म ने जिस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रखा है, उसी तरह इस फिल्म को ओवरसीज मार्केट में भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और फिल्म ने अभी तक ओवरसीज मार्केट से 122 करोड़ 48 लाख रुपए की टोटल कमाई की है। इसी के साथ दोस्तों पुष्पा 2 का जो 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है वो हो रहा है 503 करोड़ 61 लाख रुपए। जी दोस्तों, पुष्पा 2 का बजट है
500 करोड़ रुपए और फिल्म दो दिनों में ही दुनिया भर में 503 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर रही है। तो दोस्तों फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन भी जबरदस्त है, दूसरे दिन के भी शानदार। अब कल है सैटरडे, तो कल इस फिल्म के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ना वो आज से भी बेहतर आएंगे। और संडे यानी कि परसों तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जितनी कमाई पहले दिन की थी उसी रेंज में कर जाएगी। यानी कि दोस्तों सब कुछ अगर सही रहा तो यहां पर पुष्पा 2 सिर्फ 4 से 5 दिनों के अंदर ही दुनिया भर में 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर देगी। जी हां दोस्तों, अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100% 1000 करोड़ रुपए की कमाई तो कुछ ही दिनों में कर जाएगी। लेकिन देखना यह है कि इस फिल्म का फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1500 करोड़ 1700 करोड़ पे रुकेगा या फिर ये मूवी दुनिया भर में 2000 करोड़ रुपए कमा पाएगी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, पुष्पा 2 का जो लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो कहां तक जाएगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और डेली पुष्पा 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखने के लिए आपके अपने इस चैनल एकेबी मीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।